छोटे बच्चों की स्किन के ऊपर होने वाला ये कौन सा प्रॉब्लम है, ये कौन सा डिजीज है? एक नज़र में आप देखोगे तो बच्चे के शरीर में, पूरा शरीर में दाने दाने निकल गए हैं, बहुत ही ज़्यादा खुजली आती है, बच्चा रोता है, फीडिंग भी नहीं ले पाता है और रात को सोता भी नहीं है। इसको सिर्फ एक ही बार ये दवाई लगाई और 3 से 4 दिन में बच्चा ऐसा हो गया, बिल्कुल ठीक, खुजली चली गई, ऑलमोस्ट 90% डिजीज चला गया, स्किन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब बच्चा रात को सोता है, फीडिंग भी लेता है, हंसता है, खेलता है। तो ये स्किन का कौन सा प्रॉब्लम है? ऐसी कौन सी बच्चे को ये प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से ये बच्चा इतना परेशान हुआ और उसको सिर्फ एक ही बार ये दवाई लगाने से बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो गया? आज हम बात करने वाले हैं स्किन की, चमड़ी की एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो ना कि सिर्फ बच्चों में कॉमन है बल्कि बड़ों में भी उतना ही कॉमन है। एक ऐसा प्रॉब्लम जिसको सिर्फ एक बार दवाई लगाने से ठीक किया जा सकता है। हम बात करने वाले हैं स्कैबिस के बारे में, जिसको हिंदी में खाज भी कहते हैं और गुजराती में खस भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मनहर गोस्वामी, पीडियाट्रिशियन और आपका बच्चों का डॉक्टर। एक बार फिर आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके, एक नया टॉपिक लेके और आपको कुछ नया सिखाने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं स्कैबिस, खाज और खस के बारे में। एक महिला आती है अपने 6 महीने के छोटे बच्चे को लेके। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, जल्दी कीजिए, मेरे बच्चे को देखिए, ये क्या हो गया है? 3 दिन से बच्चा सोया नहीं है, कंटिन्यू रोया जा रहा है, ना तो दूध पी रहा है, ना तो सो रहा है, ना चुप हो रहा है। मैंने कितने भी मलम लगाए, घरेलू उपचार किए, बट ये ठीक नहीं हो रहा है। हम 3 दिन पहले ही अपने गांव से ट्रेन में आए, जब बच्चा गांव में था तो बिल्कुल ही ठीक था, पता नहीं यहाँ पे आते आते ट्रेन में क्या हुआ या किस वजह से हुआ, पर बच्चे की स्किन में ऐसे ऐसे दाने आ गए। बच्चा इतना रोता है, दूध भी नहीं पीता है और 3 दिन से तो ये सोया ही नहीं है, वो भी नहीं सोया और हम भी नहीं सोए। डॉक्टर साहब प्लीज़ आप कुछ ऐसा कर दीजिए ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए। जब मैंने बच्चे को एग्जामिन किया तो पता चला ये तो स्कैबिस है, यानी कि खाज है, या एक तरह का इस ऐसा स्किन का प्रॉब्लम है जो छूने से फैलता है, साथ रहने से फैलता है, स्किन टू स्किन फैलता है। मैंने पूछा कि आपके परिवार में किसी को ऐसा खाज या खुजली है? उसने बोला नहीं, किसी को नहीं, बट हाँ हो सकता है, हम 2 दिन ट्रेन में थे, ट्रेन में बहुत भीड़ थी, कई लोगों के पास ये रहता था, खेलता था, कई लोगों के पास भी ये सोया था, तो हो सकता है ट्रेन में कोई और व्यक्ति होगा या और बच्चा होगा जिसको यह प्रॉब्लम होगी और उसका इन्फेक्शन इसको लग गया है। फिर मैंने इसके लिए इसकी जो स्कैबिस की जो मेडिसिन आती है, ये ऐसी मेडिसिन है जिसको सिर्फ एक ही बार स्किन में लगाना होता है रात में और सिर्फ क्लीनिंग का ध्यान रखना होता है। बच्चे को ये दवाई दी, बोला इस तरह से रात को एक बार लगा दीजिए और 3 से 4 दिन के बाद एक बार मुझे दिखा दीजिए। आज ये बच्चा वापस मेरे पास आया है, आज ये इसका 4था दिन है और जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चा पूरी तरीके से ऑलमोस्ट ठीक हो गया है। बच्चे की खुजली चली गई है, रोना बंद हो गया है, बच्चा अच्छी तरीके से दूध भी पी रहा है। तो क्या हुआ, कैसे हो गया, ऐसी कौन सी मेडिसिन है कि बच्चे को एक ही दिन में ठीक कर दिया? हम बात करेंगे स्कैबिस के बारे में। स्कैबिस, खाज या तो खस, एक तरह की माइट, सार्कोप्टस माइट्स नाम का एक जीवाणु होता है, परजीवी होता है, उसकी वजह से होता है। यह एक ऐसा जीव है जो शायद हम अपनी खुली आँख से देख नहीं पाएंगे, बट यह जीव हमारी स्किन के नीचे रहता है। स्किन के नीचे की जो नमी होती है वो इसको बहुत पसंद है, इस वजह से ये स्किन के नीचे की नमी में रहता है और ये रात में रेंगता है। दिन में ये पूरी तरीके से उसी जगह पे रहता है और रात में वो रेंग के आगे चलता है, यानी कि ये स्किन के अंदर जाता है, स्किन के अंदर एक गुफा टनल बनाता है और वहाँ पे छुप जाता है। जैसे ही रात होती है, अंधेरा होता है, हम सो जाते हैं, ये अपना टनल खोद के आगे बढ़ना चालू कर देता है और जब ये आगे बढ़ता है उसकी वजह से हमें इचिंग होती है, खुजली होती है और ये खुजली इचिंग इतनी सीवियर होती है कि हम सह नहीं पाती है। तो आप समझ सकते हैं ये तो छोटा बच्चा है, उसको खुजली आती है, उसको जलन होती है, तो कैसा होता होगा, ना तो बता पाता है ना बोल पाता है, इसकी वजह से वो कंटिन्यू रोता है, वो अच्छी तरीके से सो भी नहीं पाता, दूध भी नहीं पी पाता, कंटिन्यू रोता रहता है। और मम्मी को तो सिर्फ ऐसा ही लगता है कि ये कुछ स्किन का प्रॉब्लम है, शायद ये एलर्जी है या इन्फेक्शन इसकी वजह से हो रहा है, बट एक्चुअली ये स्कैबिस का प्रॉब्लम है, खाज का प्रॉब्लम है। ये जो खाज का प्रॉब्लम है ये साथ रहने से, छूने से या एक यूज़ किए हुए कपड़े, कंबल इत्यादि यूज़ करने से होता है। अगर घर के एक मेंबर को भी ये खाज हुआ है और उसके साथ कोई छोटा बच्चा या कोई दूसरा व्यक्ति उसके साथ सोता है, उसके साथ रहता है
उसका तौलिया भी यूज़ करता है, उसके कपड़े एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बेडशीट शेयर करते हैं, तो ये इन्फेक्शन एक से दूसरे को आसानी से लग सकता है। इसके लक्षण क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्कैबी से या तो खांझ है? ये शरीर में दाने बनाता है और शुरुआत नॉर्मली हाथ के इस नकल के आसपास से होती है। नॉर्मली ये जो माइट्स है ये हाथ के इस एरिया के अंदर से स्किन के अंदर जाता है और स्किन के अंदर रेंगते हुए आगे बढ़ता है और एक ही लाइन में जाता है और वहाँ पे जैसे एक रस्सी हो, रस्सी में बल पड़ा हो, ऐसे ये दिखता है। अगर आपको हाथ के आसपास, गर्दन के आसपास, बगल के आसपास या तो शरीर में कहीं भी इस तरह से दाने दाने दिख रहे हैं और आपको रात को ही खुजली आती है, ज़्यादा दिन में इतनी नहीं आती है, तो समझ लीजिए आपको स्कैबिस हुआ है, खस हुआ है या तो खाज हुआ है। इसकी ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। क्या इसको कोई लेबोरेटरी से टेस्ट कर सकते हैं? अगर आप कोई भी पीडियाट्रिशियन को, डॉक्टर को या स्किन स्पेशलिस्ट को बताएंगे तो इसमें कोई भी लेबोरेटरी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। वो सिर्फ आपकी हिस्ट्री के माध्यम से और देखने से ही बता पाएंगे कि इसको खुजली है, खाज है, स्कैबिस है। अब इसको ठीक कैसे करें? खुजली, खाज यानी कि स्कैबिस को ठीक करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए बाजार में मेडिसिन अवेलेबल है जिसको 1% या 5% परमेथ्रिन सॉल्यूशन आता है। ये लोशन में भी आता है और क्रीम में भी अवेलेबल है और इसका सोप भी आता है। एक बार इसका यूज़ करने से पहले आप अपने पीडियाट्रिशियन, अपने फिजिशियन या तो अपने स्किन स्पेशलिस्ट को एक बार दिखा दीजिए और कंफर्म कर दीजिए कि ये स्कैबिस ही है। अगर ये स्कैबिस ही है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही ईजी है। ये जो लोशन है इसको आपको रात को एक ही बार लगाना है। किस तरह से लगाना है? ये जो दवाई है ये रात को सोते समय लगानी है, एक ही बार लगानी है। रात को सोते समय एक ही बार लगाना है, वापस इस दवा को लगाना नहीं है। इस दवा को सिर्फ मुंह के भाग के नहीं लगाना है, पूरे शरीर में लगाना है। जैसे हम मालिश करते हैं ना, इस तरह से इसके दोरे, धागे, गले में जो भी लगाए सब निकाल देना है। पूरे शरीर में रात को सोते समय आज रात को लगा देना है, पूरी रात को लगा के रखना है और सुबह नॉर्मल गर्म पानी से नहला देना है। वापस इसको यूज नहीं करना है, एक ही बार में यूज करना है। आपको इस लोशन को इस तरह से लगाना है जैसे कि आप शरीर में मालिश कर रहे हो। पूरा लोशन लीजिए अपने हाथ में और शरीर में जहाँ पे भी खुजली है, हाथ में, बगल में, छाती में, गर्दन में, नीचे जांघ के आसपास, पैरों के आसपास, पूरे शरीर को मल देना है जैसे कि आप कोई मालिश कर रहे हैं। रात को सोते समय इसको लगाना है और ये दवाई पूरी रात लगा के रखना है। सुबह गर्म पानी से नहाना है, अगर कोई बच्चा है तो उसे भी रात को ऐसे ही लगाना है और सुबह गर्म पानी से नहला देना है। ये जो परमेथ्रिन लोशन है ये मेडिकल स्टोर में डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर अवेलेबल हो सकता है, आसानी से मिल जाएगा। आपके घर में जितने भी व्यक्ति हो जिसको ये खाज आ रही है, खुजली आ रही है, उन सभी को ये दवाई अप्लाई करनी है। अगर किसी एक को आपने यूज़ किया और वो ठीक हो गया और दूसरा जो व्यक्ति घर में है उसको ठीक नहीं हुआ तो उसका इन्फेक्शन वापस दूसरे को लग सकता है। तो इस दवाई का उपयोग आप जो भी घर में व्यक्ति है सभी को करना है, तभी पूरे घर में सभी से ये स्कैबिस ठीक हो जाए। दूसरी एक बात ध्यान रखना है कि आपके जो भी कपड़े हैं, तौलिए हैं, चद्दर वगैरह है, एक दूसरे के साथ एक हफ्ते तक शेयर नहीं करनी है ताकि एक दूसरे का इन्फेक्शन दूसरे को ना लगे। जैसे कि आप इस बच्चे की कोहनी पे देख रहे हैं वहाँ पे स्क्वेब हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है। होता ये है बच्चों में कि अगर बच्चा खुजली की वजह से बार बार खुजलाता है तो वहाँ पे स्किन ब्रेकिंग होता है, फिर वहाँ पे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगता है और ये सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग गया है, इस तरह का स्क्वैब हो गया है, तो इसको एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन, एंटीबैक्टीरियल क्रीम या कई बार एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आपको भी इस तरह का प्रॉब्लम है तो आपके डॉक्टर को एक बार अवश्य दिखा दीजिए। इस बच्चे में हमने उसको स्कैबल लोशन यानी कि परमेथ्रिन लोशन दिया था, एक सोप भी दिया था और एंटीबैक्टीरियल एक मेडिसिन भी दी थी ताकि वो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगा है वो भी ठीक हो जाए। दूसरी एक मेडिसिन हम देते हैं बच्चों में या तो किसी भी बड़ों में खुजली के लिए, क्योंकि इसकी खुजली बहुत ही सीवियर होती है, तो एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन भी बच्चे को 2-3 दिन देनी पड़ती है जब तक ये खुजली पूरी तरीके से ठीक नहीं होती है। तो ये ट्रीटमेंट होती है बच्चे को या तो कोई भी बड़े को स्कैबीज यानी कि खाज को ठीक करने के लिए। बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ एक ही बार लगाने से ये ठीक हो जाएगा। अगर घर में किसी को भी है, मम्मी, पापा, बच्चे, भाई, बहन, तो सबको ये दवाई लगानी है, क्योंकि एक को हो गया और दूसरे को ठीक नहीं किया, एक को ठीक कर दिया और दूसरे को ठीक नहीं किया, तो वापस ये इन्फेक्शन लग सकता है। नॉर्मली ये एक ही बार लगाने से ठीक हो जाता है,
कई बार अगर कहीं पे छूट जाता है, ठीक नहीं होता है, तो हम एक या दो हफ्ते के बाद एक बार रिपीट एप्लीकेशन के लिए बोलते हैं। बट 99% लोगों में ये एक ही बार लगाने से ठीक हो जाता है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये जो खाज है, खुजली है, इसको आइडेंटिफाई करना कितना आसान है, और अगर एक बार आइडेंटिफाई कर लिया तो इसको ठीक करना भी बहुत आसान है। ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, खास करके ऐसे फैमिली में जो छोटे घर में रहते हैं, एक साथ एक बिस्तर में सोते हैं, एक दूसरे का तौलिया चद्दर वगैरह यूज़ करते, ऐसे फैमिली में ये जल्दी से फैलता है। तो ध्यान रखिए, घर में किसी को भी खाज हो, खुजली हो, स्कैबीज हो, तो उसकी चद्दर, तौलिया, कपड़े अलग रखना है और तुरंत ये मेडिसिन यूज़ करनी है, तो 100% ये 3 से 4 दिन में ठीक हो जाएगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। अगर आपको भी लगता है कि वीडियो अच्छा है तो लाइक कर दीजिए। अगर कोई आपके आसपास कोई ऐसा है जिसको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप ये वीडियो उसको व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। अगर ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मनहर गोस्वामी, पीडियाट्रिशियन और आपका ही बच्चों का डॉक्टर। एक बार फिर आऊँगा एक नया वीडियो लेके, एक नया टॉपिक लेके, और आपको कुछ नया सिखाने के लिए। तब तक हेल्दी रहें, खुश रहें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। नमस्कार।